तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वैष्णोक। आपको नजर आ रहा होगा मेरे बैक साइड, आप यहां से स्टेशन से कितनी दूर है करनी माता का मंदिर, करनी माता के मंदिर। और मेरे बैक साइड आपको नजर आ रहा होगा ये मेन दरवाजा करनी माता का। जैसे ही आप अंदर की ओर आओगे तो आपको ढेर सारे चूहे देखने को मिलेंगे। कि मेरे बैक साइड आपको चूहे तो वैसे ब्लैक कलर के तो बहुत नजर आ रहे होंगे, ये दूध भी पी रहे हैं ये देखिए। इस कोने में भी देखने, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ सचिन और आज मैं जर्नी करने वाला हूँ वैष्णोक, जिसे करनी माता का स्टेशन कहा जाता है। और मैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मैं अभी बीकानेर के स्टेशन से कैसे वैष्णोक के स्टेशन पर पहुँचा जाए, वैष्णोक के स्टेशन से पहुँचने के पश्चात कितनी दूर करनी टेम्पल है और वहाँ कौन कौन सी धर्मशाला है ठहरने के लिए, स्टे करने के लिए। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो है बीकानेर टू जयपुर, और मैं जो ट्रेन का टाइम है वो है 12:30। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और ये हमें लगभग यहाँ से जो डिस्टेंस है करनी टेंपल का वो है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलते हैं अंदर की ओर, ये स्टेशन का नज़ारा है, अब अंदर की ओर चलते हैं, ट्रेन देखते हैं। ऐसे ही मैं वैष्णोक के स्टेशन पर पहुंचूंगा तो मैं मिलेगा, और करनी माता के बाद जो पुराना मंदिर है जिसे नैडी माता जी का मंदिर है वो भी करनी माता की मंदिर है। करनी माता से दूसरे मंदिर पर कैसे पहुंचा जाए, वहां से कितने किलोमीटर है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में देने वाला हूं। वैष्णोक जो मेरी ट्रेन है, चलते हैं जल्दी से बिना देरी करे वैष्णोक। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और जो मेरी ट्रेन है बीकानेर टू जयपुर, और मेरा जो कोच है वो है 3rd क्लास। और अंदर की ओर चलता हूँ और मिले मेरी सीट नंबर जो है, मेरी 3 सीट नंबर है। तो अंदर की ओर चलते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वैष्णोक के स्टेशन पर, और मैं यहां से पूरी जानकारी देने वाला हूं कि वैष्णोक के स्टेशन से करनी माता के मंदिर कैसे पहुंचे। और यहां पर आपको स्टेशन पर सैकड़ों लोग नज़र आ रहे होंगे और ये सिर्फ माता करनी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वैष्णोक, आपको नजर आ रहा होगा मेरे बैक साइड आपको स्टेशन का नाम। और मैं बताने वाला हूं जैसे मैं बाहर की तरफ निकलूंगा कि यहां से स्टेशन से कितनी दूर है करनी माता का मंदिर, और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और आपको यहां कितनी धर्मशाला है। और जैसे ही आप करनी माता के टेम्पल पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको लाखों चूहे देखने को मिलेंगे। और कहा जाता है कि जैसे ही आपको सफ़ेद कलर का चूहा नज़र आ जाए तो वो कहते हैं कि बहुत लक्की होता है, खुश नसीब होता है। तो चलते हैं इस मंदिर में और देखते हैं कैसा कैसा नज़ारा है। मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलते हैं बाहर की ओर। फाइनली मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूं और मैं बात कहूं तो यहां से आपको ऑटो या ई रिक्शा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करनी माता का मंदिर का जो डिस्टेंस है यहां से बिल्कुल आपको सामने की ओर नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये नज़ारा, ये आपको नज़र आ, यही करनी माता टेंपल है। और स्टेशन से कहूं तो 500 मीटर का डिस्टेंस है और ये सामने की ओर ही आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं, आपको ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे की ओर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेन दरवाजे के सामने, ये है मेन दरवाज़ा एंट्री का करनी माता का। और जैसे ही एंटर करोगे तो आपको पहले तो मार्केट नज़र आएगा, और यहां से लगभग अब यहां से कहूं तो 50 मीटर का डिस्टेंस है। और चलते हैं अंदर की ओर, और मैं अभी भी मंदिर जैसे एंटर होगा तो आपको बहुत सारे चूहे नज़र आएंगे। तो चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं कैसा नज़ारा है।
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं करनी माता के मंदिर, और मेरे बैक साइड आपको नज़र आ रहा होगा ये मेन दरवाज़ा करनी माता का। तो यहां से आपको एंट्री करनी है, और अदरवाइज जैसे आपको प्रसाद लेना है तो आपको यहां पर जैसे बाहर की तरफ आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आ जाएंगी, जैसे मैंने अभी वीडियो में कैप्चर किया। और इसके बाद आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, और कहूँ तो आपको कैमरा अलाउ है और बैग भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई दुकान पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जब भी इस मंदिर में आओगे तो इस कैमरे का चार्ज है, इसके अंदर कैमरे का जो चार्ज है वो है 30 रुपये, और उसमें आप कैमरे को गर्भगृह तक अंदर तक ले जा सकते हो, अंदर की ओर ले जा सकते हो, बिल्कुल मना नहीं है, बस उसका चार्ज जो है वो है 30 रुपये। चलते अंदर की ओर, देखते कैसा नज़ारा है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के रियासत महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करनी माँ दुर्गा की साक्षात अवतार थी। अगर इतिहास के गौर से देखें तो 1387 ईस्वी में माता का जन्म हुआ, रिगुवाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया और एक तपस्वी का जीवन जीने लगी। करनी माता का मंदिर पश्चिमी राजस्थान का एक लोकप्रिय दर्शन स्थल रहा है। ये काफी प्राचीन हिंदू देवी मंदिर है। वर्तमान बीकानेर जिले के 30 किलोमीटर दक्षिण में करनी माँ चुओ वाली देवी का मुख्य मंदिर डैशनोक नामक स्थल है। यहाँ तकरीबन 20,000 काले चूहे मंदिर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। राठौड़ों की कुल देवी की कृपा से जोधपुर एवं बीकानेर शहर की स्थापना मानी जाती है। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जग जननी जगदम्बा का अवतार श्री करनी वर्तमान डैशनोक। कोई दर्शनार्थी यहां पर सफ़ेद चूहे का दर्शन कर ले तो बहुत ही मंगलकारी होता है, और मान्यता है कि किसी भी चूहे को कुचल जाने की स्थिति में उनके स्थान पर चांदी का निर्मित चूहा रखा जाता है। फाइनली मैं अंदर पहुंच चुका हूं मैं, और अंदर की बात करूं तो यहां बहुत सारे चूहा देखने को मिलेंगे, मगर कहा जाता है कि सफ़ेद चूहा देखने के बाद वो शुभ माना जाता है और वो खुश नसीब माना जाता है वो इंसान जो उसको सफ़ेद कलर का चूहा नज़र आ जाए। तो चलते हैं, देखते हैं, बहुत सारी भीड़ हो रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो चलते हैं। जैसे ही आप अंदर की ओर आओगे तो आपको ढेर सारे चूहे देखने को मिलेंगे, और जो भी करनी माता के दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे चूहे देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में ही आपको सफ़ेद कलर के चूहे दौड़ते हैं भक्त लोग, जो कहा जाता है कि जो सफ़ेद कलर का चूहा देखने पर शुभ माना जाता है। जैसे आपको यहाँ पर लोग बैठे होंगे, ये सिर्फ सफ़ेद कलर के चूहे को देखने के लिए बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि जब भी आपकी जो यात्रा है सफल मानी जाती है जब सफ़ेद कलर का चूहा देखने पर। ये देखिए मेरे बैठ रहे हैं, आपको चूहे तो वैसे ब्लैक कलर के तो बहुत नज़र आ रहे होंगे, ये दूध भी पी रहे हैं ये। और यहाँ की कहूँ तो आपको इस कोने में भी देखने को मिल जाएंगे, देखिए इस कोने में भी देखने को मिल जाएंगे। और देखा जाए तो मेरे बैक साइड भी देखो, ये देखिए इनके लिए सारी चीज़ें रखी रहती हैं, पानी दूध और चना वगैरह बहुत सारी। और कहूँ तो जिस दर्शन करने के बाद सीधा ही चूहा देखने के लिए आते हैं। तो करनी माता के यहीं के लोकल मिले, इनसे बात करते हैं कि ये कितना चमत्कारी मंदिर है। तो ये कैसा मंदिर है? अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो ये मंदिर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। तो ये चूहों की क्या मन्नत बोली जाती है? वाइट का अच्छा होता है, मतलब इनका कहना है कि सफ़ेद कलर का चूहा बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम 27 साल से आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ये 27 साल से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको कितनी बार दर्शन हो गए सफ़ेद कलर के चूहे की? हर बार। तो हर बार इनको चूहे के दर्शन हुए, हर शनिवार आते हैं। तो यहाँ पर शनिवार को हर 27 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये करनी माता की स्थापना कब हुई थी आपको थोड़ा बता सकते हैं? साल तक बता रहे हैं, इनको साल का थोड़ा अनुभव नहीं है। 500 से ऊपर हो गया तो अंदर। और ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको कितने सारे चूहे देखने को मिल सकते हैं हमें यहाँ पर? वाइट नहीं, वैसे ब्लैक कलर के चूहे कितना मिल सकते हैं? हजारों की संख्या, लाखों हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर चूहे देखने को मिल सकते हैं।
चलिए अब दर्शन करने के लिए और चलते हैं। ये है मैन करनी माता का गर्भगृह और यहीं से ये सीधा दर्शन करने का रास्ता है, तो अंदर की ओर चलते हैं क्योंकि अब मैंने बाहर का तो पूरा कवर कर लिया, अब अंदर की ओर दर्शन करने के लिए चलते हैं। और कहूँ तो कैमरा अलाउ है अंदर, आप कैमरा अंदर ले जा सकते हैं, तो चलते हैं अंदर का। जैसे ही आप करनी माता के सामने से दर्शन करके आ जाओगे इस सामने से, तो आपको जस्ट बगल में ही आपको एक दीपक नज़र आ जाएगा, मतलब चांदी का 50 किलो चांदी का दिया है। ये देखिए 50 किलो का चांदी का दिया है और इसके अंदर 2400 घंटा मतलब जो दीपक की ज्योति है वो उज्जवल रहती है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी खासियत यही है कि ये 2400 घंटे उज्जवल रहता है दिया। और ये देखिए ये दिए का आकार का, ये चांदी का है जो 50 किलो का इसका वेट है और ये बिल्कुल दिए के आकार, और 2400 घंटे उज्जवल रहता है ये। तो और आगे चलते हैं और नज़ारा क्या दिखाता हूँ। सामने नोटिस बोर्ड पर जो सामने नज़र आ रहा है, रात्रि 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर सुबह 4 बजे ओपन होता है। तो फाइनली मैं दर्शन करके आ चुका हूँ इस वाले गेट से, ये निकलने का दरवाज़ा है। और मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये रात्रि 10 बजे बंद हो जाता है, पूरी रात भर बंद रहता है, फिर सुबह मॉर्निंग में ये 4 बजे खुलता है, तो रात भर बंद रहता है। तो जब भी आप आओ तो ये रात के 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 4 बजे फिर ओपन होता है मंदिर। और मैं देखता हूँ और आगे क्या है और बाहर की तरफ लेके चलता हूँ आपको, चलते हैं। जैसे ही आप इस साइड से दर्शन करके आएंगे करनी माता के, तो उनसे जुड़े और भी मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये भी किसी लोक देवता का मंदिर है, जैसे ये जो सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा जैसे जो बाहर का नज़ारा है वहाँ भी आपको और मंदिर देखने को मिल जाएंगे। एक इस जगह बिल्कुल करनी माता के जस्ट बगल में आपको एक मंदिर मिल जाएगा और ये मेन करनी माता का जो बाहर का जो रास्ता है वो ये रास्ता है। तो और चलते हैं यहाँ से, फिर जैसे आप दर्शन करके आओगे तो इस जगह से आपको निकलना है। तो जैसे ही आपको बैक साइड नज़र आ रहा है, ये मंदिर से बाहर का रास्ता है और यहाँ से जो भी दर्शन करने के बाद जो यहाँ पर वाइट कलर का चूहा ढूंढते हैं, कहा जाता है कि वो शुभ माना जाता है, तो इस जगह ढूंढते हैं। देखो आपको बहुत लोग नज़र आ रहे होंगे चूहा ढूंढते हुए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपको बहुत लोग नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही आप मंदिर के सामने की ओर देखोगे तो भक्त लोग यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का चूहा देखते हुए नजर आएंगे और जिसे दर्शन होते हैं तो वो शुभ माना जाता है और उसकी यात्रा संपन्न मानी जाती है। मैं करनी माता के इतिहास निकालूं तो जो करनी माता का जो जन्म हुआ वो हुआ 1444 में, और जो इस मंदिर के संस्थापक थे वो थे गंगा सिंह, उन्होंने ही बीकानेर को बसाया और इस मंदिर को बनवाया। और जब भी इस मंदिर की खासियत बोलूँ, जब भी इस मंदिर में आप दर्शन करने आओगे तो आपको लाखों चूहे देखने को मिलेंगे। और जैसे आप दर्शन करने आओगे तो आपको मतलब जगह जगह ही आपके पैरों के नीचे ही आपको चूहे देखने को मिल जाएंगे। और मैं कहूँ जैसे मंदिर से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी धर्मशाला भी, मैं अभी दिखाऊँगा धर्मशाला, आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। हर समाज की इधर धर्मशाला हैं, बहुत अच्छा बाजार है जिससे मैं और देखते हैं और क्या क्या नज़ारे हैं अंदर की तरफ। जैसे ही आप करनी माता के मंदिर आओगे तो सामने ही करनी माता का मंदिर, मैं एक बार दिखा दूं इधर। और जैसे ही करनी माता के सामने आपको एक धर्मशाला देखने को मिल जाएगी, श्री करनी धर्मशाला, जिस जो इसका चार्ज है वो 120 रुपये है। आप दो लोग रहते हैं तो 140 रुपये हो जाएगा। और इसके अदरवाइज यहाँ पर और भी धर्मशाला है, जैसे आप इसके ये धर्मशाला के जैस बगल में ही आपको
श्री करणी माता धर्मशाला एक जस्ट सामने ही यहाँ से थोड़ा मैं आगे चलते ये गेट है, गेट को पार करते आपको एक धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा ये पूरा एरिया जो है इसके सामने का आपको यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं आपको देखने को मिलेंगी। और वैसे कहूँ फ्री वाली भी हैं और पे करने वाली हैं, आपको दोनों तरह की धर्मशालाएं मिल जाएंगी यहाँ पर आपको। तो और चलते हैं मार्केट का नज़ारा कैसा है तो आगे की ओर चलते हैं। ये जो मेरे बैक साइड नज़र आ रहा है ये है करणी माता, और करणी माता के जस्ट सामने ही आपको श्री करणी म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो 1444 में करणी माता का जो जन्म हुआ उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको जो गंगा सिंह ने कैसे ये बनाया उससे जुड़ी हुई आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो मैं इसका किराया बोलूँ तो वो है सिर्फ इसका 5 रुपये। तो अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है करणी माता का। चलते हैं अंदर की ओर। तो हमने फाइनली यहाँ से टिकट ले ली है, तो इनसे पूछते हैं इस म्यूजियम में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इनसे पूछते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इसमें उस माता की पूरे चमत्कार है जो जीवन में किए थे माता ने। अब माता 151 वर्ष 6 महीने 2 दिन तक जिंदा रही थी, इतनी उम्र किससे नहीं ली जितनी करणी माता ली थी। अब 151 वर्ष में माता ने अपने जीवन में क्या चमत्कार की वो सारा इस म्यूजियम के अंदर है। इसे देखने से पता चलता है इस मंदिर का क्या महत्व, इस मंदिर का क्या इतिहास है। सब तेल चित्रों द्वारा ऑयल पेंट द्वारा दर्शाया गया है इसके अंदर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। इसे देखने से और पढ़ने से माता के जो मुख्य सारे चमत्कार समझ में आ जाते हैं, ये चीज़ इसके अंदर है। तो जैसे जाना कि इसके अंदर पूरा इतिहास है करणी माता का जो अपने जीवन काल में उन्होंने किए। तो मैं पूरा जैसे एंटर होऊंगा तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने ब्लॉग में। तो अंदर की तरफ चलते हैं। ये वाली जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें करणी माता अपने बाल अवस्था में अपने बाल धोती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए यो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें जो करणी माता अपने बाल धोती हुई तालाब के पास नज़र आ रही हैं। और मैं दिखाता हूँ जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इस तस्वीर की भी अनोखी कहानी है जो आपको नज़र आ रहा है कि गांव के पास में पीपरा में एक मृत राजपूत था जिसे जिंदा कर दिया करणी माता ने। ये वाली जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये वाली इसकी ये कहानी है। जो आपको डाकू नज़र आ रहा है इसमें जो करणी माता उसको मारते हुए नज़र आ रही है, देखिए ये बहुत समय की बात है जो एक डाकू हुआ करता था डाकू काल डाकू जिसको मारते हुए नज़र आ रही है तस्वीर में। ये भी उनका एक अनोखा चमत्कार है जो आज भी देखने को मिलता है। जो आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही है ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है और इसे म्यूजियम में इसीलिए सहज के रखा हुआ है। ये देखिए इसमें जैसे ही आप आओगे तो आपको करणी माता की आपको बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए जैसे आपको मेरी चारों तरफ आपको तस्वीर देखने को मिल रही है और इसमें हर तस्वीर पर कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके चमत्कारों के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए आपको कई चमत्कार तो मैंने बता दिए और भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है दिन के 2 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो तापमान है वो है 45 के आसपास। और मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है दर्शन, आप भी जो कोई नॉर्मल समय भी आपको बहुत ज़्यादा करणी माता पर दर्शन के लिए भीड़ नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर कहूँ तो जब भी आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन के अलावा यहाँ पर आपको कई भोजनालय देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप दर्शन करके आओगे तो जैसे आपको सामने आपको कई भोजनालय देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो राजस्थान की एक योजना है इंदिरा रसोई जो निःशुल्क है
नहीं निःशुल्क तो नहीं, उसका जो शायद 8 रुपये चार्ज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और तरह तरह के भोजनालय हैं, VIP भी हैं और नॉर्मल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जो मैंने गेस्ट हाउस लिया हुआ है जो 120 रुपये का, अभी वहाँ स्टे करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि मैंने दर्शन कर लिए, तो अभी चलते हैं अंदर की और अब आराम करते हैं। फाइनली हमने करनी माता के दर्शन कर लिए और हम इस गेट से बाहर की तरफ आ गए हैं। अब जो दूसरा पुराना मंदिर है, ये तो कहा जाता है कि 600 साल पुराना है, जो दूसरा मंदिर है वो 700 साल पुराना है, जो नैरजी माता का मंदिर है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका 1 किलोमीटर है। अब यहाँ से जो रास्ता निकलता है, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ से कैसे रास्ता निकलता है और वहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वो पुराना मंदिर है, कहते हैं कि वो पुराना मंदिर है और ये नया मंदिर है, है तो दोनों पुराने मगर वो पुराना ज़्यादा मंदिर है और दोनों ही करनी माता के मंदिर हैं। और यहाँ भी चूहा देखने को मिलेंगे और वहाँ भी आपको चूहे देखने को मिलेंगे, तो चलते हैं जल्दी से। नैरजी माता मंदिर जाने के लिए पहले आपको डैशनॉक रेलवे स्टेशन लाइन क्रॉस करनी होगी, उसके पश्चात वहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद नैरजी माता मंदिर आपको नज़र आ जाएगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नैरजी माता के मंदिर और जो इसका डिस्टेंस था वो था सिर्फ 1.5 किलोमीटर। और ये मैं दिखाता हूं, ये रहा नैरजी माता का मंदिर, ये देखिए ये मंदिर है। और यहीं पर आपको कई धर्मशाला भी देखने को मिल जाएंगे, वो मैं अभी कवर कर लूँगा, बताऊँगा वो भी मैं आपको। और यहाँ पर पार्किंग वगैरह, प्रसाद की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलते हैं अंदर, कैसा नज़ारा है, क्या यहाँ भी चूहा देखने को मिलेंगे उतने जितने करनी माता में देखने को मिले। तो ये रास्ता है, तो चलते हैं अंदर की ओर, आइए अंदर की ओर। करनी माता के बाद अब मैं नैरजी माता का इतिहास बताने जा रहा हूँ। मंदिर एक ही माता के मगर इतिहास दोनों का अलग अलग है। श्री करणी जी ने अपने सेवक गुड़िया सुबह खेजड़ी के वृक्ष की सूखी लकड़ी लाने को कहा। सेवक खेजड़ी की सूखी लकड़ी लाकर श्री करणी जी को दे दी। श्री करणी जी ने बुलाने के लिए नैडी के रूप में काम में लिया था। ये सूखी लकड़ी खेजड़ी का हरा वृक्ष बन गई, जो वर्तमान में हरे वृक्ष के रूप में खड़ी है। बाद में महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवा दिया। श्री करणी जी द्वारा दिए गए दही के छींटे आज भी इस वृक्ष पर दिखाई देते हैं। इस वृक्ष की पुरानी छाल पर जाने पर नई छाल आती है, उस पर दही के छींटे आज भी दिखाई देते हैं। चमत्कार जगदम्मा श्री करणी जी आज भी दिखा रही हैं, क्योंकि ये वृक्ष आज 600 वर्ष पुराना हो जाने के बाद भी हरा भरा दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे नैरजी जी माता के नाम से पुकारते हैं। तो यहीं पर हमें नैरजी माता पर यहाँ के मिले लोकल मिले, इनसे पूछते हैं इनका इतिहास क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास तो सर जी बहुत बड़ा है, परंतु माता जी गया लेकर आए नी। हाँ, गाय सबसे पहले। हाँ, सबसे प्रथम तब यहाँ पर ही रुके थे, मतलब पहले जो गाय लेके आए थे वो प्रथम यहीं रुके थे। और जहाँ अंदर खेजड़ी का पेड़ है, पीछे की तरफ खेजड़ी का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। और क्या है यहाँ पर, सूखी लकड़ी जमीन में गड़ा के दूध पिलाया था माता जी ने। अच्छा, उसके बाद में वो हरा हो गया, इसलिए नैरजी जी का मंदिर बोल रहा है इसको। अच्छा, तो इसका इतिहास आपको देखने को मिल गया है कि ये इतिहास है जो पे। और चलते हैं दर्शन करके अब मंदिर की ओर। तो
यहीं से इनके पंडित जी हैं करनी माता के, देखिए तो करनी माता के पंडित जी, इनसे पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, क्या इतिहास है करनी माता का और कैसे इनकी कैसी आए यहाँ पर, कैसे मंदिर बना इनका, तो जानने की कोशिश करते हैं पंडित जी से खास। ये करनी माता का बचपन का नाम रितु भाई था, उन्होंने यहाँ देशनोक आकर गाय चराई थी और यहाँ ये खेजड़ी है वहाँ पर विलोना किया था। यहाँ पर एक खेजड़ी का पेड़ है और इनका बचपन का नाम विदु था, और बचपन का नाम विदु, यहाँ पे आके विलोना किया और गाय चराई थी। यहाँ पर खेजड़ी का पेड़ है और खेजड़ी के पास इन्होंने करनी माता ने गाय चराई थी। और क्या है इतिहास यहाँ पर, गाय पीछे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर तपस्या भी की थी शिव जी की, शिव जी की घोर तपस्या की थी करनी माता ने यहाँ पर, इसी के बैक साइड पर। और क्या इतिहास है, किसने मंदिर बनवाया ये मंदिर? ये कुंदनमल सोनी ने। क्या था? कुंदनमल सोनी। और क्या इतिहास है मंदिर का, दोनों मंदिर का, जैसे एक जो नया मंदिर है ये पुराना मंदिर, इसके बारे में बताइए कुछ। करनी माता ने यहाँ पे आकर सर्वप्रथम तो गाय चराई और करनी माता ने सूखी लकड़ी रोप के, सूखी लकड़ी जाल की रोपी जो अभी खेजड़ी बन चुकी है। अच्छा। और करनी माता गाय चराने तब राव सिंह, ये हमारे क्या नाम है, राव काने को श्राप भी दिया था। अच्छा, तो ये करनी माता के इतिहास है, खास जो पंडित जी हैं करनी माता के, उन्होंने हमें पूरा इतिहास बताया, तो चलते बताते हैं। उस मंदिर में 101 साल अखंड तपस्या की, 101 साल तपस्या की करनी माता ने, अखंड तपस्या, घोर तपस्या की करनी माता ने 101 साल, ये खास पंडित जी ने हमको बताया, करनी माता के पंडित जी हैं खास। तो अब चलते हैं बाहर की ओर। जैसा कि मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया नैडी माता का कि ये मंदिर का इतिहास क्या है, और जैसे ही आप बाहर की ओर निकलोगे तो यहाँ भी आपको कई धर्मशालाएं नजर आ जाएंगी, और यहाँ भी करनी माता जैसा ही एक म्यूजियम देखने को मिल जाएगा जिसमें करनी माता का पूरा इतिहास है। तो फाइनली हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, नैड़ जी माता के मंदिर से, और ये मेन गेट था और हमने दर्शन कर लिए, और मैंने खास पंडित से बातचीत करके पूरा इतिहास मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि नैड़जी माता का क्या इतिहास है, कैसे यहाँ उपस्थित हुई और कितनी घोर इन्होंने तपस्या की। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दी है। अब ये मंदिर के हमने पूरा दर्शन कर लिए, अब आगे की ओर चलते हैं। अब जहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ भी आप धर्मशाला हैं या नहीं है, यहाँ स्टे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं चलता हूँ आगे की ओर बताने आता हूँ। ऐसे ही आप नैड़जी मंदिर से बाहर की ओर निकलोगे तो आपको उसी के ही सामने आपको करनी माता राजपूत धर्मशाला देखने को मिल जाएगी, और ये धर्मशाला राजपूतों की है, ये देखिए राजपूत समाज की है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये बहुत बड़ी धर्मशाला है, बहुत ज़्यादा, और निःशुल्क, इसका कोई किराया नहीं है, और इसी के ही जैसे सामने आपको एक और धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। ये देखिए ये एक और धर्मशाला है, और ये रास्ता बिल्कुल रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, ये वाला रास्ता बिल्कुल सीधा चलना है अब अपन को। चलिए अब मैं नैड़जी माता के यहाँ से दर्शन करके आ चुका हूँ, ये देखिए सामने, अब थोड़ी 100 मीटर आगे आ चुका हूँ। उसके बाद पहले मैंने करनी माता के दर्शन कराए, दोनों मंदिरों के मैंने दर्शन करा चुका हूँ, और उसके बाद मैंने म्यूजियम भी लेके गया, मतलब करनी माता का क्या इतिहास था, कैसे उपस्थित हुई देशनोक में, और यहाँ यहाँ क्या क्या है, और मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और देखते हैं आगे चलते हैं, अब कोई ऑटो जो मुझे अभी अपना जो मैंने रूम लिया है वहाँ पर चलते हैं, कि अब क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है, अब चलते हैं अपने रूम की तरफ जो मैंने होटल में लिया हुआ है, चलते हैं आगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे बीकानेर के स्टेशन से कैसे देशनोक स्टेशन पहुँचे, पहुँचने के पश्चात मंदिर कितनी दूर है स्टेशन से, और मंदिर पहुँचने के पश्चात कहाँ पर ठहरें, कहाँ पर स्टे करें, और कितने सारे भोजनालय हैं, और मंदिर में जैसे ही पहुँचोगे तो कितने सारे चूहे दिखेंगे, और कैसे दर्शन करें, दर्शन करके जैसे ही आओगे तो दूसरे करनी माता जिसे नैडी माता बोला जाता है वहाँ कैसे पहुँचें, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी, तो जुड़े रहें मेरे चैनल से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।